खबर जबलपुर से, जहां हजरत सैयद अली हसन अशरफी उल जिलानी घोड़ा अस्पताल वाले बाबा के उर्स के मौके पर बाद नमाज जुमा छोटी उमती से संदल जुलूस निकाला गया। जुलूस में शामिल कवाल अपने कलाम पेश कर रहे थे। गश्त करते हुए जुलूस दरगाह शरीफ पहुंचा, जहां मजार शरीफ पर चादर पोशी की गई। नजर न्याज पेश करने के बाद तबरुक तकसीम किया गया। रात में युवा समाज सेवी मोइन खान और उनकी टीम के द्वारा लंगर का एहतराम किया गया, जिसमें हजारों लोगों को लंगर तस्लीम किया गया। सैयद आजाद अली मोइन खान मना रहे हैं, आज चादर भी पेश की गई है और अभी रात्रि जो दरबारी कब पालेंगे वो अपने कलाम पेश करेंगे और लंगर तीर चल जाएगा। जो मंगल के बाद से चालू किया गया था, अभी रात भर ही चलेगा और अभी रात्रि में जो दरबार में कपाल हैं अपने कलाम पेश करेंगे। सभी शहरवासियों को उसकी बहुत बहुत मुबारकबाद। साल की तरह इस साल भी हजरत सैयद अली हसन खान रहमतुल्लाह अलैह थोड़ा वाले हजरत रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने में जोरों से मनाया जा रहा है। इसमें अशर के बाद चंदल चादर होते हुए मुकामी उनतीस होते हुए चंदल दरबारी अध्यक्ष में पहुंची। बाद नमाज ईशा शुद्ध शाकाहारी लंगर का आयोजन किया गया मोइन खान द्वारा और हिंदू मुस्लिम सभी जाति धर्म के लोग बाबा के यहाँ आते हैं और बाबा का फैज पाते हैं। आपका नाम बताइए। ईशान अंसारी भाजपा सुल्तान सैयद अली हसन खान रहमतुल्लाह अलैह घोड़ा अस्पताल वाले लोग आज मनाया गया और सभी मजहब के लोग यहाँ पर शिरकत करवाते हैं और बड़े पैमाने के साथ इसका इंतजाम किया गया है। और आज बाद हमारी ईशा यानी 10 बजे तकरीबन महफिल समय का आगाज होगा और कल दोपहर में फिर की पार्टियाँ रहेगी और इस तरह से इसका इख्तिताम होगा।